तुम्हें यहाँ का ड्रेस कैसे मिला? इसका मतलब मेरा यहां आना आपको अच्छा नहीं लगा, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। और वैसे लड़कियों को ये क्या आदत होती है, उनसे कुछ भी पूछा जाए उसका उल्टा ही मतलब लेती है। अच्छा जी, मतलब आप ना लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि ये जान सको कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ आंटी के साथ कोई और रहता है, मतलब आपके पेरेंट्स, बहन भाई वगैरह? नहीं, और कोई भी नहीं रहता यहाँ पर, बस मैं और पप्पू ही रहते हैं। एक्चुअली मैं बहुत छोटा सा था तब से पप्पू के साथ ही रह रहा हूँ। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बन के पाला है, और मेरी परवरिश की वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की। और आपने अरे इन सब की क्या तकलीफ आपने क्यों की? मैं मेहमान थोड़ी हूँ आंटी। तकलीफ की क्या बात है, बस चाय और बिस्किट है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें एड्रेस आराम से मिल गया था? मैं इजीली पहुंच गई, और इतना मुश्किल एड्रेस नहीं था। चलो अच्छी बात है ना, अक्सर लोग जो हमारे घर आते हैं उन्हें एड्रेस ही नहीं मिलता, और तुम्हें पहली दफा में ही मिल गया। आंटी अगर दिल से कोशिश की जाए ना तो नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा वैसे तुमसे मिलके ना मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे सच बताऊं तो मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं आई हूँ। और बस थोड़ी सी देर में मैं चलूंगी क्योंकि अम्मी इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं ऐसे तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, जब तक चाय नहीं लोगी कुछ खाओगी नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, चाय पियो, छोड़ाऊंगा तुम। हाँ चाय पियो तुम। नहीं, आपको बहुत जहमत होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं कोई खास हिम्मत नहीं होगी, बस गाड़ी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। चाय पियो। वो आपको दूं?